हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों फॉरेन कंट्रीज के मोबाइल में इस तरीके के एक्स्ट्रा पार्ट को क्यों दिया जाता है और कैसे आगे आने वाले समय में इंडिया में लोगों की हड्डियां कभी टूटेंगी ही नहीं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर मिलिट्री पैराशूट के ठीक बीचों बीच इस तरीके के होल को किया ही क्यों जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 14। गाइस, क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में आपको किसी भी देश में कभी भी कोई भी स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी ही नहीं। अब ये चमत्कार कैसे होगा, चलिए इसे समझते हैं। असल में गाइस, अभी हाल ही में मशहूर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोटोरोला ने दुनिया की सबसे पहले ऐसे फोल्डेबल मोबाइल को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसे आप कुछ इस तरीके से रिस्ट के ऊपर रखकर उसे फोल्ड करके एज अ स्मार्ट वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट इनिशियल स्टेज पर बहुत लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जिसके चलते हुए अब सैमसंग और यहाँ तक कि शाओमी ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द बहुत से ऐसे रिस्ट वेयरिंग स्मार्टफोन्स को मार्केट में उतारने वाले हैं जिसको कि आप कुछ इस तरीके से ऐसे स्मार्ट वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद नो डाउट आगे आने वाले समय में हमारा स्मार्टफोन यूज करने का पूरा ही एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहेंस जरूर कर जाएगा। पैक नंबर 13। गाइज, अगर किसी भी एक्सीडेंट में हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें महीनों महीनों उसके ऊपर प्लास्टर को चढ़ाकर आराम करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में यही काम एक गोंद यानी कि ग्लू कर देगा। असल में आपको ये जानकर प्राउड फील होगा, लेकिन अभी हाल ही में IISER भोपाल ने एक ऐसे ग्लू को भी बनाकर तैयार कर दिया है जो कि पानी के अंदर भी हमारी स्किन और हड्डियों को जोड़ने में मदद कर सकता है, जिसके चलते हुए इस मटेरियल को A30 का नाम दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया में इसके सबसे सटीक वेरिएंट को हमारे देश भारत में ही बनाकर तैयार किया गया है और इसलिए इंडिया में इन तरीके से हड्डियां जोड़ना भी दुनिया में सबसे पहली बार स्टार्ट किया जाएगा, जो नो डाउट हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात जरूर होगी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जैसे इंडिया में प्याज वाली चुड़ैल, लहसुन वाली चुड़ैल और यहाँ तक कि बाल काटने वाली चुड़ैल का भी ट्रेंड चलता रहता है, क्या आपको पता है कि ठीक उसी प्रकार से यूएसए में प्रेजेंट डेट में टेलीविजन सेट रखने का ट्रेंड चल रहा है। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यूएसए के अलग अलग शहरों में एक मास्क पहना हुआ आदमी कुछ इस तरीके से लोगों के घरों के सामने पुराने टेलीविजन सेट को रखकर ही रफू चक्कर हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि पिछले एक साल में ये आदमी 400 से भी ज्यादा नए नए घरों के सामने जाकर कुछ इस तरीके से टेलीविजन सेट्स को रख चुका है, लेकिन आज तक भी ना ही वहां के लोग और यूएसए पुलिस ये पता लगा पाई है कि एक्चुअली में ये आदमी कौन है और ये ऐसी हरकतें कर ही क्यों रहा है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपको पता है कि मशहूर फैशन ब्रांड टॉमी हिल्फिगर ने दुनिया में सबसे पहली बार जर्मनी में अपने बहुत से आउटलेट्स में सबसे पहले AR वियरिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें जैसे ही आप इन तरीके के इनके एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड्स के सामने से गुजरते हैं, ये आपको टॉमी हिल्फिगर के नए कलेक्शन को कुछ इस तरीके से डिजिटली आपको पहना कर ही दिखा देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जर्मनी में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फेमस हुई है कि पिछले 6 महीने में सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी के दम पर इस कंपनी की सेल्स लगभग 40% तक बढ़ चुकी है। तो गाइस, अब आप मुझे बताइए कि वैसे अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो क्या इससे कुछ भी फायदा होगा या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 10। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां पर सभी लोग आपको सिर्फ और सिर्फ गंजे ही नजर आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा किसी बीमारी या फैशन ट्रेंड के चलते हुए नहीं बल्कि एक झील को बचाने के लिए किया जाता है। असल में वेनेजुएला के तटीय शहर माराकाइबो में साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से भी एक झील मौजूद है, लेकिन क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में तेल के कुएं पाए जाते हैं तो उनकी तलाश करने के लिए बहुत से लोग इस झील के आसपास काफी गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं, जिसके चलते हुए इस झील के पानी के ऊपर हमेशा ही तेल तैरता रहता है, जिसके चलते हुए इस झील में मौजूद बहुत से जीवों की हालत काफी ज्यादा खराब भी हो चुकी है। एंड एज अ रिजल्ट इस झील और इस झील में मौजूद जीवों को बचाने के लिए एक अनोखी चटाई को बनाया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट को इंसानी बालों की जरूरत है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए अब यहाँ के लोग खुद से ही फ्री में अपने बालों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में डोनेट कर रहे हैं, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग अपनी कार के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी बेस ट्यूब्स या फिर स्पीकर्स को इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि ऑनेस्टली कभी कभी हमें काफी ज्यादा इरिटेट भी कर देते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर इन्हीं स्पीकर्स या फिर बेस ट्यूब्स की क्वांटिटी को लगभग 20 गुना बढ़ा दिया जाए। असल में गाइस, अगर ऐसा किया जाएगा तो आपकी कार की मेटल की बॉडी कुछ इस तरीके से पानी की तरह हिलना शुरू कर जाएगी, और अगर बाई चांस इस कंडीशन में इस फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई भी इंसान गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो उसका बहरा होना
100% पॉसिबल है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में बहुत सी कंट्रीज में तो आप कितने बड़े स्पीकर और बेस ट्यूब्स को गाड़ी में लगा सकते हैं इसके लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस या फिर लॉ मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 8। गाइज, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जंगल में कुछ ऐसे पेड़ मौजूद होते हैं जिनको बहुत ज्यादा धूप मिलती है, जबकि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से कभी धूप मिल ही नहीं पाती। और यही सेम सिनेरियो पानी के साथ भी होता है, जहां पर कुछ पेड़ों को काफी अच्छी क्वांटिटी में पानी मिलता है जबकि कुछ पेड़ पूरे ही साल लगभग सूखे ही रहते हैं। लेकिन बात अगर ग्रोथ की जाए तो एक घने जंगल में इन सभी पेड़ों की ग्रोथ ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये बात पूरी तरीके से प्रूफ कर चुके हैं कि जंगल के अंदर मौजूद एक पेड़ दूसरे पेड़ के साथ कनेक्ट रहता है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ वो अपने न्यूट्रिशंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं बल्कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके दूसरे की बीमारियों तक को भी ठीक कर देते हैं। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने इस पूरे ही सिनेरियो को कभी अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। दूसरे पेप की स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक प्लांट छुईमुई का प्लांट है जबकि दूसरा प्लांट वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट है। आप नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जब भी हम छुईमुई के प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीफ कुछ इस तरीके से सिकुड़ जाती है। तो कि अगर इस केस में अगर इन दोनों ही प्लांट्स को बगल बगल में रखकर कनेक्ट कर दिया जाए और उसके बाद वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट को टच किया जाए तो क्या उस कंडीशन में छुईमुई का प्लांट भी अपने आप सिकुड़ जाएगा या फिर नहीं? चलिए हम और आप इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और इसके सटीक आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, देखा आपने कि किस तरीके से प्लांट्स अपने आप में काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, एंड ऑनेस्टली ये चीज अपनी आंखों से बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है। तो गाइस, इस अमेजिंग और रेयर चीज के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, नॉर्मली एक कार की सीट उसके दरवाजों के अंदर होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1950 में यूएसए की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कुछ यूनिक कार बनाने के चक्कर में उसकी सीट्स को दरवाजों के अंदर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से बाहर इंस्टॉल किया था, जिसके बाद कंपनी को ये उम्मीद लग रही थी कि ऐसा करने के बाद उनकी सेल आसमान फाड़कर निकल जाएंगी। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल ही उल्टा। असल में गाइस, जब भी किसी भी कार की सीट को दरवाजों से बाहर इंस्टॉल किया जाता है तो कार का सस्पेंशन उन सीट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, और एज अ रिजल्ट वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप को देखकर लगा सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर इस यूनिक से आइडिया को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 6। गाइस, क्या आपको पता है कि ये दुनिया ऊपर से हमें जितनी ज्यादा सुलझी हुई नजर आती है, पानी के अंदर जाने पर यही दुनिया उतनी ही ज्यादा उलझ जाती है, और उसी का ही जीता जाता एग्जांपल फ्रेश वाटर मसल्स हैं। असल में गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है एक्चुअली में वो कोई फिश है ही नहीं बल्कि वो है फ्रेश वाटर मसल्स, जिसकी ना ही आंखें होती हैं और ना ही दिमाग। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये मसल्स बिना दिमाग और आंखों के ही खुद को कुछ इस तरीके से फिश और एक क्रैब की शेप में बनाकर अपने आप को एक ही जगह पर मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही किसी दूसरी फिश या फिर क्रैब को ये चीज दिखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये उनका शिकार है और वो इसे खाने आ जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट बूम, ये कुछ इस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके उनके मुंह पर स्प्रे कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट वो फिश या फिर सी एनिमल कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। फैक्ट नंबर 5। गाइज, अभी तक तो आपने इस पूरी दुनिया की काफी बड़ी बड़ी और लग्जरी कार्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे छोटी कार को देखा है? वेल, आपने नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसका नाम तक पता है। असल में गाइज, साल 2012 में कीनिया में कुछ इस तरीके की दुनिया की सबसे छोटी पोर्टेबल कार को बनाकर तैयार किया गया था, जिसे एक ड्राइवर के द्वारा कुछ इस तरीके से ड्राइव किया जाता था। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कार इतनी ज्यादा सस्ती और पोर्टेबल थी कि साल 2012 से लेकर साल 2015 तक कीनिया में ये कार बहुत बड़े स्केल पर बिकी थी। लेकिन क्योंकि ये कार सेफ्टी नॉर्म्स पर ज्यादा खरी नहीं उतरती थी तो साल 2016 में इस कार के प्रोडक्शन और कीनिया में इसे चलाने पर पूरे ही तरीके से बैन लगाना पड़ा, और दुनिया का एक बेहद ही ऑसम सा इनोवेशन दोबारा से ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। पैक नंबर 4। दोस्तों, अगर आपने भी मिलिट्री के पैराशूट्स को देखा होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इन सभी पैराशूट्स के ठीक बीचों बीच कुछ इस तरीके के होल को बनाया जाता है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर एक पैराशूट में होल को
किया ही क्यों जाता है। असल में नॉर्मली एक पैराशूट जिसका कि इस्तेमाल आम लोगों के द्वारा किया जाता है उसमें कभी भी होल को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उस पैराशूट से हवा उसके साइड से पार होती है एंड एज अ रिजल्ट वो पैराशूट ना सिर्फ जमीन पर आराम आराम से उतरता है बल्कि इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा इसी वजह से मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात अगर मिलिट्री पैराशूट की जाए तो क्योंकि इन तरीके के पैराशूट में इस तरीके के होल को दिया जाता है तो इससे ना सिर्फ इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि इस पैराशूट की उतरने की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जवानों को कभी कभी काफी ऊंचाई से नीचे तक काफी तेज स्पीड के साथ आना पड़ता है जिसके चलते हुए इसको ज्यादा परफेक्ट और सही बनाने के लिए इन पैराशूट्स में कुछ इस तरीके के होल को कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर ये चीज आम पैराशूट के साथ की जाएगी तो लोगों को भी इन तरीके के पैराशूट चलाने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो दे पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये अजीब सा होल आपको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पैराशूट में ही देखने को मिलता है। तो फाइनली अब आप मिलिट्री के बेहद ही ऑसम से सीक्रेट को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। गाइस प्रेजेंट डेट में नॉर्मली एक अपराधी पुलिस से अपने चेहरे को छिपाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर अपराधी नहीं बल्कि पुलिस अपराधी से अपने चेहरों को छिपाया करती थी। असल में साल 1940 के आसपास यूएसए के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता था तो उनके सामने पुलिस ऑफिसर अपने फेस को कुछ इस तरीके से मास्क से कवर करके छुपा कर बैठा करते थे। और ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि अगर बाई चांस पुलिस इंटरोगेशन या फिर कोर्ट में आगे चलकर वो क्रिमिनल पूरे तरीके से आजाद होकर छोड़ दिया जाता है तो वो कभी भी उन ऑफिसर्स या फिर उन ऑफिसर्स की फैमिली के लिए खतरा ना बन पाए। लेकिन क्योंकि इस चीज की वजह से लोगों का पुलिस के ऊपर से भरोसा पूरे ही तरीके से उठ गया था और लोग बहुत सी बार ये कंप्लेंट करते थे कि जब पुलिस को ही अपनी सर्विस पर भरोसा नहीं है तो उन्हें कैसे होगा, तो आगे चलकर यूएसए में बकायदा एक रूल को अप्लाई किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक पुलिस ऑफिसर कभी भी अपराधी के सामने अपने चेहरे को नहीं छिपाएगा। और इसलिए प्रेजेंट डेट में किसी भी देश की कोई भी पुलिस कभी भी अपराधी के सामने अपने चेहरे को नहीं छुपाती है। लेकिन ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक थी जब इनिशियल स्टेज पर ये पूरे ही प्रोसेस पूरे ही तरीके से उल्टी हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 2। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में 16 साल की शीतल देवी भारत की सबसे पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने की सिंगल एशियाई पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1। आखिर फॉरेन कंट्रीज के मोबाइल के फोन में कुछ इस तरीके के एक्स्ट्रा पार्ट को क्यों दिया जाता है। असल में गाइस अगर आपने भी किसी विदेशी स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि भले ही फोन एप्पल का हो, सैमसंग का हो या फिर किसी बड़े ब्रांड का हो, वही सेम मॉडल जो इंडिया में मौजूद है अगर वही सेम मॉडल किसी विदेशी मोबाइल में मौजूद है तो उसमें आपको कुछ इस तरीके का एक एक्स्ट्रा सा कटआउट देखने को नजर आता है। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब मॉडल सेम है, सारी ही चीजें सेम है, तो आखिर इंडिया में इस तरीके के कटआउट को क्यों हटा लिया जाता है जबकि विदेश में इस तरीके के पार्ट को देना ही क्यों पड़ता है। असल में गाइस इस पार्ट को मिलीमीटर 5G रिसीवर कहा जाता है। बेसिकली ये पार्ट 24 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के डेटा को कैरी करता है जिसके चलते हुए इसे जनरली एम वेव का नाम भी दिया जाता है। अब इससे होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि क्योंकि ये चीज बहुत बड़े स्केल पर डेटा को रिसीव और सेंड कर सकता है तो इसका इस्तेमाल मोबाइल में इंटरनेट की 5G स्पीड को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए किया जाता है जिसके चलते हुए इन तरीके के फोन्स में नॉर्मल 5G फोन्स की तुलना में ना सिर्फ डेटा काफी ज्यादा फास्ट चलता है बल्कि इसमें आपको अपलोड और डाउनलोड की स्पीड भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो फिर अब ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर सिर्फ इसी पार्ट की वजह से एक मोबाइल फोन में 5G इंटरनेट की स्पीड लगभग 10 गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आखिर इंडिया में इस तरीके के पार्ट को लगाकर कोई भी कंपनी क्यों नहीं देती। असल में गाइस इंडिया में अभी 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है और इवन अभी तक तो हम हमारी पूरी कंट्री को प्रॉपर 5G से कवर तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन वही बात अगर इस मिलीमीटर 5G बैंड की जाए तो इसके लिए हमें और ज्यादा एडवांस टावर को अपने कंट्री के अंदर लगाना होगा जिसमें अपने आप में ही अरबों खरबों का खर्चा आएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये चीज अभी आगे आने वाले समय में इंडिया में लंबे समय तक कोई भी मोबाइल ऑपरेटर ला ही नहीं सकता है तो आज की डेट में अगर इंडिया के अंदर जितने भी फोन्स इंपोर्ट किए जाते हैं उनके अंदर भी इस पार्ट को लगाकर दिया ही जाए तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की कॉस्ट ही बढ़ेगी। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इंडिया और उन सभी कंट्रीज में जिसमें 5G इंटरनेट अभी इतना ज्यादा एडवांस स्टेज में नहीं है उन सभी कंट्रीज में भी फोन के अंदर 5G मिलीमीटर रिसीवर को नहीं दिया जाता। तो इन शॉर्ट गाइस भले ही कंपनी सेम हो
मॉडल सेम हो और सारी ही चीजें सेम क्यों ना हो, विदेश में आपको उसी फोन में इन तरीके के जो रिसीवर है वो देखने को मिलता है, जबकि इंडिया में देखने को नहीं मिलता। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों फॉरेन के मोबाइल्स में हमें ये पार्ट एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।